प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार कांग्रेस और इंदिरा गांधी को लाख भला बुरा कहें, लेकिन चलते उन्हीं की राह पर हैं। बिल्कुल जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान की शरणार्थी समस्या को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और भारी बहुमत से देश का आम चुनाव भी जीत लिया। माहौल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां वैसी भले न हो, लेकिन बीजेपी फिर चुनाव से पहले शरणार्थी मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। नजर चुनाव पर है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। पक्की खबर है कि चुनाव से पहले मार्च महीने में ही देश में CAA यानी नागरिकता संशोधन विधेयक लागू होने वाला है। क्या है इसका सियासी कनेक्शन और क्या कहता है शरणार्थी समस्या से जुड़ा इतिहास, आइए करते हैं इसी की पड़ताल। लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने वाली है और ये भी समझ लीजिए कि नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA को लेकर भी नोटिफिकेशन आने वाला है। 4 साल पहले यानी दिसंबर 2019 में CAA बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। CAA के खिलाफ कई राज्यों में हुए आंदोलन और फिर कोरोना के आने के बाद ये कानून लागू नहीं हो पाया, लेकिन आम चुनाव के पहले इसको लागू करने की पूरी तैयारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अफसर इसके संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी इसका जिक्र कर रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि CAA लागू करने का वक्त आ गया है। CAA को लेकर 4 साल पहले जितना विवाद हुआ, फिर उसी तरह के विवाद की सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार CAA के नियमों को नोटिफाइड कर देगी। CAA के नियम तैयार हैं और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों को वो साल बताना होगा जब वो जरूरी दस्तावेजों के बिना भारत आ गए थे। इस प्रक्रिया में आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। CAA को लेकर मोटी बात ये समझ लीजिए कि 2014 के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इस कानून के तहत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को सरकार भारतीय नागरिकता देगी। इन तीनों देशों में ये समुदाय अल्पसंख्यक हैं। हालांकि ये फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। इस कानून के तहत वो लोग जो फिलहाल भारत में अवैध प्रवासी हैं, वो भारत के नागरिक बन जाएंगे, लेकिन शर्त वही, अगर ये लोग हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए मुस्लिम शरणार्थियों को ये हक नहीं मिलेगा। मुस्लिम वोट बैंक के सहारे देश की राजनीति करने वाले नेताओं को यही बात खटक रही है। देखिए क्या होगा, जब भी होगा, अवाम ये गलत कानून है, भारत के आईन के खिलाफ है, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है। हम हरगिज कभी खिलाफ नहीं थे कि चाहे हिंदू, सिख हो, जो पाकिस्तान में रहते हैं, अफगानिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वो आ सकते हैं हमारे वतन भारत और लॉन्ग टर्म वीजा देकर, एक प्रोसेस है उसका, उसके बाद उनको भारत की शरीयत भी देते हैं। मगर ये जो कानून बनाया गया, CAA को आप अकेले नहीं देख सकते, CAA को आपको NPR NRC से देखने की जरूरत है। और ये इसका मकसद एक ही है कि मुस्लिम अकलियत को, दलितों को और उन गरीबों को, चाहे किसी मजहब के हो, उनको तंग किया जाए। तो मजलिस इसके कानून के खिलाफ थी, हमेशा इसकी मुखालिफत करते रहेगी। CAA में और भी कई पहलू हैं, लेकिन आपको पहले CAA का चुनावी कनेक्शन और इंदिरा गांधी से जुड़ा इतिहास बताते हैं। दक्षिण एशिया के भूभाग में भारत बड़ा देश है। पहले भी पड़ोस से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता दी जाती रही है और अब CAA के जरिए दी जाएगी। भारतीय महाद्वीप के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थियों का लंबे समय से भारत में आना जाना रहा है। 1971 में तो ये विश्वव्यापी मुद्दा बन गया था। CAA लागू करने की चिंता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ी है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में वहां की सेना जुल्म ढा रही थी। ढाका, चटगांव से लेकर पूर्वी पाकिस्तान के गांवों में कत्लेआम मचा हुआ था। लाखों लोग पलायन कर रहे थे और भारत आ रहे थे। असम, बंगाल और बिहार बांग्लादेशी शरणार्थियों से पट गया था। शरणार्थियों के लगातार बढ़ते खर्च से केंद्र सरकार परेशान हो गई थी। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी।
इससे निपटने के लिए उसे 5 पैसे 10 पैसे के विशेष स्टैंप जारी करने पड़े थे और बजट में नए टैक्स लगाने पड़े थे जिन्हें रिफ्यूजी रिलीफ टैक्स RRT या बांग्लादेश टैक्स कहा जाता था। इंदिरा गांधी दुनिया में लगातार इस समस्या को जोरदार तरीके से उठा रही थी लेकिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन इंदिरा गांधी और भारत से चिढ़ते थे। वो भारत के मुकाबले पाकिस्तान और वहां के राष्ट्रपति का साथ देते थे। इंदिरा गांधी ने UN समेत तमाम संस्थाओं में ये समस्या उठाई और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश बन गया। इंदिरा गांधी आयरन लेडी कहलाई। तो 1971 के आसपास देश में करीब 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे। इनमें से ज्यादातर वापस नहीं गए और भारत में ही रह गए। कुछ ने कानूनी तो कुछ ने अवैध तरीके से भारत की नागरिकता हासिल कर ली। इनमें पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन सभी शामिल थे। 1971 में जो हुआ वो संयोग था लेकिन कांग्रेस ने सालों तक इन शरणार्थियों का एक मुश्त वोट हासिल किया। 2014 से केंद्र में मोदी की पावरफुल सरकार है। हर सरकार पर आरोप लगता है कि वो चुनावी फायदे के हिसाब से अपनी नीतियां और कानून बनाती है, तो CAA को लेकर भी इससे जोड़कर देखा जाएगा, लेकिन इसमें संदेह नहीं है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के ही कई नामचीन लोग ऐसा नहीं मानते हैं। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्सी इशू नहीं है। क्यों नहीं है कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में साफ करनी चाहिए कि ये उन लोगों के लिए है। इसमें हमारे देश के गृह मंत्री ने आधिकारिक बयान दे दिया। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। ये भारतीय में जो बाहर से लोग आ रहे हैं पीड़ित प्रताड़ित लोग, उनको नागरिकता देने के लिए, और यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज हम तमाम लोग दीवान साहब की कयादत में बुलंद करेंगे। अब शरणार्थी वैसे तो देश के हर हिस्से में रहते हैं लेकिन असम, बंगाल और बिहार में इनकी तादाद काफी ज्यादा है। बंगाल में तो ममता बनर्जी सरकार खुलकर CAA का विरोध कर रही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक बांग्लादेशी शरणार्थी है, लिहाजा उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के नेता भी सरकार के मंसूबों पर सवाल उठा रहे हैं। जब चुनाव आ गए तो CAA, NRC क्या चुप बैठ सकते? ध्रुवीकरण की ये सुनहरा मौका चुनाव है, चुनावी ध्रुवीकरण की सुनहरे मौका। ये चुनाव जब दरवाजा खटखटा रहे हैं तो कैसे भला CAA और NRC चुप बैठ सकते? क्या नहीं चुप बैठ सकते, इसलिए उनको बाजार में लाया जाएगा। ये जरूर चालू होगा लोकसभा वोट से पहले, लोकसभा पहले ही चालू होगा। आप निश्चित रहिए, हमारे गृहमंत्री जी पर हमें पूरा विश्वास है। वो बोल के गए हैं कि हम CAA करेंगे, तो CAA करेंगे मतलब अमित शाह अगर बोले हैं करेंगे तो जरूर करेंगे। ममता बनर्जी के इख्तियार में आता ही नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, हु विल बी द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कहाँ से गवर्न होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेरोगेटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक करता है कौन नागरिक है, सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं। ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ चेक ही नहीं है, तो ममता कुछ नहीं कर सकती। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश राममय है तो सरकार भी चुनाव के पहले धार्मिक मुद्दों को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। विश्लेषक मान रहे हैं कि CAA लागू होने पर BJP अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को और मजबूती से आगे बढ़ा सकेगी। वैसे भी 2 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट है। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता बिल यानी UCC पास कर दिया है। असम की हेमंत बिस्वा सरमा सरकार भी इसी एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। CAA के खिलाफ 4 साल पहले दिल्ली के शाहीन बाग में लंबा आंदोलन हुआ था। अगर चुनाव के पहले ऐसा कोई आंदोलन फिर खड़ा होता है तो BJP को चुनाव में इसका नुकसान कम फायदा ज्यादा होगा। CAA के साथ एक शब्द और भी आपने सुना होगा, NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। फिलहाल NRC को लेकर सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। NRC को आसान भाषा में कहें तो भारत के नागरिकों का लेखा जोखा, ताकि पक्का किया जा सके कौन नागरिक है और कौन नहीं।
पूरे देश में एनआरसी के लिए अभी तक कोई मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन एक बार सीएए लागू होने पर एनआरसी का रोडमैप भी तैयार हो जाएगा। तब तक देश को और सियासी दलों को सीएए से ही काम चलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।